Hey guys, welcome or welcome back to my channel. I'm Shani Sangat Ramani and as you guys can see in the title, आज का जो वीडियो होने वाला है ना वो होने वाला है लिटिल बॉक्स पे, जो आई थिंक मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम होने वाला है, बिकॉज मैंने कभी भी ऐसे लिटिल बॉक्स का पहले वीडियो नहीं किया है मुझे जितना याद है. और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, मुझे था कि मैं न्यू चीज़ें ट्राई करूँगी. तो मैंने फाइनली सोचा कि मैं कुछ ऐसी जगह से स्टार्ट करती हूँ जो मैं बहुत टाइम से सोच रही थी लेने का. वैसे मैं नॉर्मली जो भी वीडियोस करती हूँ उसमें मुझे कम से कम थोड़ा सा आइडिया होता है कि उनका जो मटेरियल होता है वो कैसा होगा, वो दिखने में थोड़े से कैसे होंगे, क्योंकि मतलब मैं इतना खरीद चुकी हूँ कि मेरे को पता चल जाता है. बट ये फर्स्ट टाइम था तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. सो अब हम ज़्यादा बात नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के साथ. सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट टू द वीडियो. जो मैंने फर्स्ट लिया है वो है ये पैंट्स. मैंने ये पैंट्स इसलिए लिए थे बिकॉज आपने बहुत बार देखा होगा वहाँ पे सेल लगी हुई होती है और उनकी सेल में आपको बहुत सारी चीज़ें दिख जाएंगी, जहाँ पे मतलब कैसे होता है कि दो चीज़ें होती है, लाइक पैंट्स हैं तो दो पैंट्स होती हैं साथ में और उन पे कुछ ऑफर होता है, तो वो उस टाइप में मतलब आपको कम प्राइस में पड़ता है. तो ये वैसे ही टाइप की चीज़ थी. यहाँ पे आपको टू पैंट्स मिलती हैं 1900 में और मुझे लगता है 1900 के हिसाब से बहुत ज़्यादा सही प्राइस है पैंट्स का, बिकॉज एक पैंट्स 800 समथिंग की पड़ रही है, जो मेरे हिसाब से बहुत सही था. बिकॉज मतलब मैंने जब भी पैंट्स खरीदी हैं तो नॉर्मली उनका प्राइस 1000 तक तो होता ही है, तो 800 मुझे बहुत ज़्यादा सही लग रहा था. और जैसे मैंने कलर देखा था वैसा ही कलर आया है, मुझे ये कलर्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगे. तो मैंने जैसे आपको फोटो में दे देती हूँ ऐसे दिखना चाहिए, तो मैं आपको अभी खोल के दिखाती हूँ कैसे. मुझे पहले यही खोलने का मन हुआ और ये ब्राउन कलर की पैंट्स है. मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कलर के हिसाब से, तो मैं पहले ही बता रही हूँ मुझे ये बहुत सही लगी है. यहाँ पे इसका जो लेंथ है वो काफ़ी सही है. नॉर्मली मैं आपको जैसे वीडियो में बताती हूँ कि मेरा जो हाइट है वो 5'6" है और उसी हिसाब से मुझे बहुत बार ऐसा होता है कि मैं जब मीशो से खरीदती हूँ या कोई और जगह से खरीदती हूँ तो वहाँ के पैंट्स का जो साइज़ है मतलब लेंथ है वो मुझे छोटा ही होता है, जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद. इसलिए मैंने ये ट्राई किया बिकॉज मैंने देख लिया था कि इसका लेंथ काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और मुझे ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी इस चीज़ की. बहुत अच्छा मटेरियल है इसका, आप देख सकते हो ऐसे टाइप का है, बहुत सही मटेरियल है, बहुत फ्लोई टाइप का है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा गर्मी होगी इसमें, बट बहुत सही मटेरियल है. यहाँ पे जो बैंड है वो जो है वो मतलब कैसे बोल सकते हैं कि बिल्कुल भी स्ट्रेचेबल नहीं है, तो आप वो सोच समझ के लेना कि आपका साइज़ क्या है उसके हिसाब से ही लेना. यहाँ पे आपको पॉकेट्स मिलते हैं जो काफ़ी अच्छे खासे पॉकेट्स हैं और मुझे लगता है बहुत चीज़ें आ जाएंगी इन पॉकेट्स में. और यहाँ पे बेल्ट लूप मिल जाएंगे, जैसे आपको अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है, बड़ी होती है अगर पैंट्स, तो आप इसको इजीली पहन सकते हो. मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, सो मैं आपको अभी ट्राई करके दिखाती हूँ. गाइस आगे चलने से पहले मुझे आपके साथ दो प्रोडक्ट शेयर करने हैं, जो है डर्माको से. जो उनका फर्स्ट प्रोडक्ट है वो है उनका 10% नायसिनमाइड फेस सीरम और जो सेकंड प्रोडक्ट है वो है उनका अल्ट्रालाइट जिंक मिनरल सनस्क्रीन. अब इन दोनों प्रोडक्ट्स के बारे में आपको सब आगे वीडियो में मिल जाएगा. डर्माकोस 10% विटामिन सी सीरम इज वेल नोन स्किन केयर इंग्रेडिएंट इन टर्म्स ऑफ रिजॉल्विंग कंसर्न्स सच एज डलनेस एंड गिविंग यू ब्राइट रेडिएंट स्किन. दिस सीरम इज पैक्ड विद द पावर ऑफ टू इंग्रेडिएंट्स, 10% विटामिन सी एंड 5% नायसिनमाइड. एंड द डर्माकोस अल्ट्रालाइट जिंक मिनरल सनस्क्रीन कम्स विद SPF 50 एंड PA++ टू शील्ड यू फ्रॉम द हार्मफुल UVA एंड UVB रेज. द सनस्क्रीन इज वाटर एंड स्वेट रेजिस्टेंट. सो गाइस अगर आपको ये प्रोडक्ट ट्राई करना है तो यहाँ है मेरा कूपन कोड जो है Chani23, जिससे आपको मिलेगा 20% ऑफ आपकी परचेज पे. ये प्रोडक्ट्स अवेलेबल है नाइका, अमेजोन, फ्लिपकार्ट और डर्माको खुद की वेबसाइट पे. अगर आप उनकी खुद की वेबसाइट से बाय करते हैं तो वो आपको लिंक करता है एक बच्चे के साथ जिसको आप एडुकेशन में हेल्प कर सकते हो, जो बहुत अच्छी चीज़ है. और डर्माको के सारे प्रोडक्ट्स फ्रेग्रेंस फ्री भी हैं, तो आप इनको जरूर ट्राई करके देख सकते हो. अब हम चलते हैं आगे वीडियो में. सो जो नेक्स्ट पैंट्स हैं वो उनके साथ ही मतलब मैंने जो आपको बताया कॉम्बो में लिया था मैंने, तो इनका कलर पहले तो मुझे जैसा दिखा था सेम वैसा ही आया, सेम जैसे मैंने आपको बोला मुझे दोनों कलर जो दिखे थे फोटोज में वैसे ही आए हैं. और इसका भी मटेरियल सेम है, ये जो बैंड है वो भी सेम है, बहुत मतलब बिल्कुल सेम है. ऐसा नहीं है कि इसका जो कलर है लाइट हुआ तो इसके मटेरियल में कोई प्रॉब्लम आई, नहीं बहुत सही है. इसका भी सब कुछ सेम है उस पैंट जैसा, तो मैं आपको पहन के ट्राई करके दिखाऊंगी ये कैसा लग रहा है. मैंने इसमें साइज M ऑर्डर किया है क्योंकि मैं उसमें शायद बताना भूल गई थी. सो मेरा वैसे साइज 28 है जिसके लिए मैंने M लिया है. अगर आपको वीडियो में सही लगता है लाइक मैंने जब पहना हुआ होगा आपको फिटिंग सही लगती है तो आप उसके हिसाब से जा सकते हो. अगर आपका भी साइज 28 है तो आप ले सकते हो M को. तो अगर आपको ये ट्राई करनी है तो आप जरूर ट्राई कर सकते हो, आपको नीचे लिंक्स मिल जाएंगे. अब मुझे एक चीज़ तो पता थी, अगर मैं लिटिल बॉक्स से ले रही हूँ और मैंने
कुछ भी फुटवेयर में ट्राई नहीं किया तो ऐसे नहीं हो सकता, बिकॉज ये मेरा फर्स्ट हॉल है और मुझे इसमें ज़्यादातर चीज़ें कवर करनी थी, इसलिए मैंने कॉम्बो भी कवर किया बट मुझे फुटवेयर भी कवर करना था और मैं ये लेने का बहुत टाइम से सोच रही थी बिकॉज ये अभी इतने ज़्यादा ट्रेंड में आए हैं। सो ये हैं उनके ऑक्सफर्ड बूट्स, ये जो बूट्स हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे, मैंने इनको बीच में स्टाइल किया था। अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पे नहीं हैं, मुझे फॉलो नहीं करते, तो मैं आपको यहाँ पे अपना इंस्टाग्राम दे रही हूँ, अगर आपको जाके देखना है तो आप देख सकते हो, मैं आपको फोटो भी दे देती हूँ। यहाँ पे मैंने इनको ट्राई किया था और ये इतने ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। अब जैसे न्यू टाइप की बहुत चीज़ें निकल रही हैं जो है मैक्सी स्कर्ट्स, और अगर आप उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, लाइक अगर आपको मैक्सी स्कर्ट्स बहुत ज़्यादा पसंद है तो आपको ये लेके ही देखने चाहिए बिकॉज ये उनके साथ परफेक्टली जाते हैं, इतने अच्छे बूट्स हैं। आप पैंट्स के साथ पहनोगे उनके साथ भी जाएंगे, अगर आप स्कर्ट्स के साथ पहनोगे मैक्सी स्कर्ट्स के साथ, शॉर्ट स्कर्ट्स के साथ बहुत ज़्यादा क्यूट दिखेंगे, ये इतने ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। मुझे चाहिए था थोड़ा सा हाइट तो मैंने इसलिए यहाँ पे ऐसे टाइप के लिए, अगर आपको सिंपल चाहिए तो आप वैसे भी ले सकते हो। अंदर आप देख सकते हो बहुत अच्छा है, अंदर से कुशन दिया हुआ है, मैंने इनको बहुत देर तक पहन के रखा था और बहुत कंफर्टेबल था ये। आई थिंक मैंने साइज 7 ही लिया है मेरे हिसाब से तो, बट मैं आपको चेक करके बता दूंगी। अब इनका प्राइस 1700 था और उनके हिसाब से इनकी क्वालिटी बहुत सही है, तो मुझे लगता है ये तो बहुत ज़्यादा चलने वाले, 1700 बहुत सही प्राइस है, अगर आपको ट्राई करना तो आपको इनकी भी लिंक मिल जाएगी। अब जो लास्ट चीज़ है हमारे हॉल में वो है ये सेट। अब आजकल आपको ये सेट बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा, मुझे तो बहुत ज़्यादा दिख रहा था, और मुझे तो लगता है कि मैं जब इनको मतलब बता रही हूँ आपको वीडियो में तब तक तो इनका ट्रेंड मतलब चला भी जाएगा, ये इतने टाइम से ट्रेंड में आया हुआ है और मैंने अब तक ट्राई नहीं किया था, तो मैंने सोचा मुझे करना ही चाहिए। मैं आपको इसका फोटो अच्छे से दे देती हूँ। यहाँ पे ये पूरा सेट है और ये सेट समथिंग 1500 का था, उसमें आपको ऊपर जो मैंने आपको दिखा रही हूँ फोटो में ऐसे टाइप का मिल जाएगा और नीचे सिंपल पैंट्स है। मुझे इनका कलर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, इनका मटेरियल भी बहुत अच्छा है, उनके मटेरियल से थोड़ा सा डिफरेंट है बट कहीं भी मुझे लग नहीं रहा कि इनके मटेरियल में प्रॉब्लम है, बिकॉज उनका मटेरियल थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेचेबल था, इनका इतना स्ट्रेचेबल नहीं है बट स्टिल मुझे अच्छा लगा। इसका जो पैंट्स है मैंने ट्राई किए थे तो मैंने एक्चुअली थोड़ा सा साइज़ में प्रॉब्लम किया था, मैंने इनका साइज़ शायद छोटा ऑर्डर कर दिया था तो मुझे ये पैंट्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, बट अगर आप खुद के साइज़ के साथ जाओगे मतलब सोच समझ के साइज चार्ट देख के जाओगे तो मुझे लगता है आपको बहुत सही से आ जाएगा। यहाँ पे भी आपको सेम पॉकेट्स मिल जाएंगी, सेम लेंथ मिल जाएगी, मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बस मुझे था कि मैं साइज़ में लेती तो और ज़्यादा अच्छा रहता। आपको यहाँ पे ये अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, मैं आपको वीडियो में दिखाती हूँ पहनने के बाद कैसा लग रहा था, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। अगर आपको ट्राई करना है तो आप इनको भी ज़रूर कर सकते हो, इसका भी मटेरियल बहुत सही है, हाँ स्ट्रेचेबल नहीं है वो थोड़ा प्रॉब्लम है, तो आप उसके हिसाब से मतलब साइज चार्ट देख के ही लेना, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, इसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। अगर आपको और भी ऐसी न्यू वीडियोस देखनी है मतलब न्यू जगहों से देखनी है तो मुझे ज़रूर बताना, और लिटिल बॉक्स से देखें तो भी मुझे बताना। सो आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, इस वीडियो को लाइक कर देना और बेल आइकन दबाना मत भूलना जिससे आपको पता चले मेरी न्यू वीडियो कब आ रही है। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक लिए कमेंट्स में बताना आपको क्या क्या अच्छा लगा, आपको और कौन सी वीडियोस देखनी है, तो मिलते हैं जल्दी, बाय।